वो मरने के पहले कहा इंदिरा गांधी जी ने मेरी जान चली जाएगी मैं परवाह नहीं करूंगी, और अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी कहना पड़ा, बांग्लादेश आजाद हुआ था, इंदिरा गांधी है दुर्गा का रूप है और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है इतना फर्क। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अंडरकरंट चल रहा है और मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। एक मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप हम लोग सब, हालांकि मीडिया दबाव में अलग बात है, आप लोग दबाव में नहीं हो, जो मेरे साथ बैठे हो दबाव में नहीं हो, वो दबाव में है मालिक आपके मीडिया के, आपके संपादक दबाव में, आपके एंकर दबाव में, वो चाहते हुए भी सच नहीं दिखा पा रहे देश को, उसका नुकसान पूरे देश को भी हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा मालिकों से, संपादकों से, एंकर से भी, कृपा करके आप सच्चाई दिखाओ, हिम्मत करके आगे आओ। अब मोदी जी की दुकानदारी उठने जा रही है, घबराओ मत, क्योंकि देश का सवाल है, ये कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, सरकार आपकी हो जाती है या देश खुद संकट में हो, उस घड़ी में चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी भी कम नहीं होती है, ये मेरा मानना है। पर आज जिस प्रकार दबाव में मीडिया है, उससे पूरा देश चिंतित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं कि सबसे स्थिति जो सुप्रीम कोर्ट की है वो ऐसे मोड पे पहुंच चुकी है जो बहुत खतरनाक है। और क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे देश को कुछ हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान जुडिशरी में ऐसी बातें सुनते थे हम लोग, आज देश में क्या होने लग गया, सारी स्वच्छता बर्बाद हो रही है, कोई बोल नहीं रहा है। आरबीआई किसे कहते हैं, आरबीआई जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, 2 साल तक हिसाब नहीं दे पाए नोटबंदी का, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर, कहाँ जा रहे हम लोग। सीबीआई के ऊपर छापा पड़ेगा रात को 2 बजे, पीएमओ के आदेश से पुलिस गई, सीबीआई छापा डाल दी थी पहले पुलिस वालों पर, पहली बार पुलिस ने छापा डाला सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस हेडक्वार्टर पर। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबका जब भी दल हो गया, सारी स्वतंत्र बर्बाद हो रही है। आरएसएस जो है इस बार बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है, ऐसा पहली बार मैं देखा है, क्योंकि उनके खून मुंह लग गया है। राज में जो है क्या है, मोदी जी गवर्नर, संस्थाओं के अध्यक्ष जिस प्रकार बनते जा रहे हैं, उसके कारण से अब उनको मजा आ गया राज का। आगे बड़े देश जाए, किसी रूप में कमजोर हो, लोकतंत्र खतरे में पड़े, उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी इन लोगों का लोकतंत्र में यकीन है ही नहीं। ये लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके राजनीति करना चाहते हैं, ये फासिस्टिक लोग हैं। और हर तानाशाह देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो हुआ है, उससे पहले राजभक्ति की बात करें, राज प्रेम की बात करें, राजभक्त कौन कौन है बताओ, कौन मना करेगा, कौन मना करेगा, राजभक्त सब है। उसकी आग देकर के व्यक्ति तानाशाह बनता है, तो ये देश तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है आगे। अभी भी प्रवृत्ति वही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 चेहरे हैं, बाकी बीजेपी के तो छुटभैये हैं, वो छुटभैये उतने बिहेव कर रहे हैं, कोई मोदी जी के खुश करने के लिए कुछ सब बोल देते हैं, कोई उनका बचाव कर देते हैं, दिल में वो दुखी है। इस देश के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मन में धमड़े ले रहे, धमड़े कहते हैं मारवाड़ी के, धमड़े ले रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर, बोल नहीं पा रहे, इन हालात में देश चल रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग, चिंता लगी मुझे तो। और मैं राजस्थान के चुनाव मुख्यमंत्री हूँ, प्रथम सेवक हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है मैं प्रदेशवासियों को सही सही बात कहूँ, इससे मेरे को कहना पड़ रहा है कि हालात बड़े गंभीर हैं और नौजवान पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी के तहत 40-70 साल में क्या किया, 18 साल का मतदान किसने दिया, राजीव गांधी ने दिया,
आ नौजवानों हाथ में जो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, किसी तक कौन लेके आए? राजीव गांधी लेके आए। सिद्ध साहब ने क्या किया? इस प्रकार से आप इतिहास को तोड़ोगे मरोगे उनको भी खुद इतिहास नहीं बना पाएंगे। ये मेरा कहना जो बताएंगे आपको किस रूप में ये मोदी जी ने 5 साल तक देश को गुमराह किया है, जुमलेबाजी करी है, इसका जवाब मोदी जी दे रहे, उनकी सरकार के लोग दे रहे। मैं भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सबको, आप पढ़ के सुना उसको, अगर आप मैं सुना देता हूँ पढ़ के, आप 2-3 महीने लगेंगे फिर आप बताएंगे। कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, एक क्वेश्चन ये है। गंगा मैया कितनी साफ हुई, नंबर 2। बुलेट ट्रेन के कितने कोच तैयार हो गए, मेक इन इंडिया का क्या परिणाम रहा, कितने दागी नेता जेल गए, धारा 370 पर क्या हुआ, कितने कश्मीरी पंडितों को घर मिला, डीजल पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, महंगाई कितनी कम हुई, लाहौर और कराची पर कहां तक कब्जा किया, चीन थरथर काम कापा क्या, देश ईमानदार देशों की श्रेणी में आ गया क्या, जवानों का खाना सुधरा क्या, बिहार को 75 लाख करोड़ का पैकेज मिला क्या, अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं बंद हो गई क्या, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ क्या, राम मंदिर का क्या हुआ, गुलामी क्रांति को हत्या रुकी क्या, डॉलर का मूल्य रुपये के मुकाबले कितना कम हुआ, कितने स्मार्ट सिटी तैयार हो गए, सांसद आदर्श ग्राम योजना में कितने गांव खुशहाल हुए, बीफ एक्सपोर्ट में भारत को 1 नंबर किससे बनाया, 100 दिन में विदेशों से काला धन आया क्या, नोटबंदी से आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूट गई क्या, देश में घुसखोरी बंद हो गई क्या, बैंक का अरबों बताने वाले कितने पूंजी को जेल गए, पार्टी के नाम पर काली कमाई वाले कितने नेता जेल गए, किसानों की आत्महत्या रुक गई क्या, अदालतों में कितने जज में बहाल हुए, भारत कितने दिन में विश्व गुरु बनेगा, कॉमन सिविल कोड लागू हो गया क्या, बलूचिस्तान को भारत में मिला दिया क्या, नेपाल रिश्ते अच्छे हुए या खराब, कितने बांग्लादेशी खदेड़े गए, राम सेतु को ऐतिहासिक स्थल बनाया क्या, बनाया कि नहीं, संसद विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया क्या, लोकपाल नियुक्ति 5 साल के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वादी क्यों हुई, कितनी नदियों को जोड़ा गया, प्रॉपर्टी के दाम कितने कम हुए, अच्छे दिन आ गए क्या, सांसद और विधायकों ने फैसले सुविधाओं में कमी आ गई क्या, या बड़ी विचार करना उचित कदम उठा। एक एक ये पॉइंट ऐसे है, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, कितना हुआ खड़ा किया मोदी जी ने, बुलेट ट्रेन 2 घंटे में सीधा आप पहुंच जाओगे बॉम्बे, नाम दे रहा है, नाम दे रहा है। इस प्रकार से ये चला है 5 साल काला अध्याय चला है, इनके शासन का काला अध्याय कहूंगा मैं, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। अब राहुल गांधी जी की नागरिकता पे सवाल खड़े करते, मैंने कहा ना आपको गुमराह करने का इन्होंने ठेका ले रखा है देश को। हमें लगता है कि कहीं बढ़ी है सब जगह, वो मोदी जी के खिलाफ अंडर ग्राउंड चल रहा है इसलिए बढ़ी है, इसका मतलब सफाया मिला। सर किसानों की जो योजना थी जिसमें केंद्र सरकार 2-2 हज़ार रुपये डाल रही थी, एक आरटीआई के जवाब में ये सामने आया है कि सेम डे वो पैसा कुछ किसानों हजारों किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा डाला गया और बैंकों ने तत्काल वापस भी निकाल लिए गए, ये आरटीआई के जवाब में बैंकों ने अलग अलग स्टेट में जानकारी दी है, तो क्या राजस्थान में भी ऐसे मामले आए हैं क्या सामने? मेरी जानकारी नहीं, पर आपने कहा है तो मैं उसको देखता हूँ। बारह जिले में रमजान के हत्या का आरोप पुलिस पे लग रहा है, 5 सस्पेंड हुए पुलिस वाले, कोई बात नहीं है उसमें,
तो कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, देश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जब मैं कह रहा हूँ 12 आपको अंडर करंट मोदी जी खिलाफ चल रहा है राजस्थान के अंदर भी, देश के अंदर। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये था कि विधानसभा चुनाव में आपने पूर्व सरकार के घोटालों के काफी आरोप लगाए, खनन घोटाला, विद्युत घोटाला। अभी आपने उस समय जो खनन मंत्री थे राजकुमार रेणुका, उसको आपने दुपट्टा उड़ाकर कांग्रेस का सामना कर लिया, जाँच और सजा कैसे होगी उन लोगों को? देखिए, जाँच कोई कांग्रेस में आने से कोई या सकती है किसी के, कानून अपना काम करता है, उसका क्या संबंध हुआ? वाशिंग मशीन लगी हुई है बीजेपी के अंदर, उदित राज जी आए कांग्रेस में, आज जब उन्हें पानी जाता तो वो बिल्कुल वाशिंग मशीन जमा पर हमारे यहाँ नहीं लगी हुई। हमारे यहाँ तो अगर कोई पार्टी में आया भी है कानून को काम करने से हम नहीं रोक सकते किसी के, ये मैं कह रहा हूँ। आपके घोषणा पत्र में देश द्रोह कानून को हटा देंगे, धारा 360 और 35 से बनाए रखेंगे, इस तरह की घोषणा, ये तमाम गलत चीजें पैदा कर रहे हो। कुछ नहीं, उनका मकसद ये नहीं जो आप बोल रहे हो, जो बीजेपी बोल रही है वो अलग बात है। नहीं, इस तरह की घोषणा की गई है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब घोषणा करते हैं तो उनको बोल क्यों कर देते हैं? मतलब कहीं प्रचार में ऐसा कुछ आता नहीं है कि धारा 300 देश द्रोह कानून हटा दिया जाएगा, 35 से हटा दी जाएगी? और बीजेपी जब प्रचार करती है तो बोलते हैं कि कश्मीर से 35 धारा 370 हटाई जाएगी, और हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करती है। आप ऐसे मुद्दे जब फोन कर दिए जाते हैं, आपके घोषणा पत्र में रखे जाते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में कहीं मिलते नहीं। देखिए, बीजेपी की सोच अलग तरह की, आप देखा आज देखा आपने विज्ञापन का, धारा 370 हटाएंगे, इस तरह का उनको 5-6 साल वाजपेयी जी रहे थे गवर्नमेंट में, 5 साल मोदी जी रहे, किस तरह का उनको, अब इतने बुखला गए वो लोग, हार के डर से बुखला गए हैं। आज उनको 370 धारा हटाने के विज्ञापन देना पड़ा है, ये स्थिति है। जी जो है वो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं, तो उसका क्या जवाब आपने? इसका जवाब मैं मोदी जी को दे चुका हूँ, वो जवाब इनके लिए। सर, शिवसेना ने पूरे भारत में बुर्का बैन करने की मांग की है, वो भी इस वजह से श्रीलंका में जो घटनाक्रम घटा, श्रीलंका में बुर्का पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, लेकिन अब शिवसेना ये कह रही है पूरे भारत में बुर्का बैन कर दिया जाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये शिवसेना और बीजेपी क्या बोलती है उसको मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम कई बार कमेंट कर चुके हैं उनके बारे में, उनकी सोच क्या है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, हम देश प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की राजनीति करना चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी बार बार क्यों कहते हैं। अगर देश को मजबूत बनाना है, देश को एक अखंड रखना है, तो रास्ता कांग्रेस का सही रास्ता, उनका रास्ता सही रास्ता नहीं है, ना बीजेपी का है ना किसी ऐसी पार्टियों का जो कि धर्म के नाम पर चलना चाहती। नंबर एक। नंबर दो, मैं मौके पर पूछना चाहूँगा मोदी जी से, जब हमने शपथ ली थी तो हमारे पड़ोस राज्यों में सब प्राइम मिनिस्टर बुलाया था आपने, आज आपके रिश्ते कैसे पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, और राज्य जो नेपाल भी है, भूटान भी है, जो राज्य हमारे पड़ोस में हैं, उनके साथ में आज आपके रिश्ते खराब क्यों हो गए? आपने बड़े प्रेम के गले लगाए थे सबको, और सब लोग अभी खराब क्यों हो गए? नेपाल जिस जो देश है जो 70 साल से आपके साथ रहा था, मोदी के राज में पहली बार उसने चाइना दोस्ती क्यों की है? आज प्रधानमंत्री मोदी आज जयपुर के अंदर आ रहे हैं, सभा करने वाले हैं, 12 सीटों पर फोकस है, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इन सीटों को खास तौर पर प्रभावित करते हैं। कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। सब अपनी बात के बाद कहेंगे, पर उनको मेरी सलाह है, आप जो आओ कोई दिक्कत नहीं, आप आकर के क्या देश के लिए आपके विजन क्या, आपका इकोनॉमिक स्थिति क्या देश की है, आप क्या आपकी सोच आगे है, किसानों के लिए आपकी क्या सोच है,
जो इश्यू देश के है, बर्निंग इश्यू है, उस पर उनको आकर के बात करनी चाहिए। मैं मेरी उपलब्धि यही है 5 साल की जो मैंने वादी की थी, आगे मैं ये काम करूँगा, उस पर मैं चले देश के अंदर इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हो जम्मू कश्मीर में, अपने भी 500 पढ़े गए, उसके बाद में फैसला करें, जनता करें, हमें मंजूर होगा। पाकिस्तान विस्थापितों को नागरिकता देने पर बीजेपी ने फिर सवाल उठाया है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए पाकिस्तान को नागरिकता दे रही है। देखिए मोदी जी को अधिकांश चीजों की जानकारी नहीं है, मैंने पहले कहा उनको अनुभव काम है, अनुभव काम है उनको। जो अब बताइए ना, 3 बातें, सोयल टेस्टिंग हमारी गवर्नमेंट 5 साल कर रही थी, उन्होंने लॉन्चिंग किया प्रेम मंत्री, उनको ब्रीफ कर दिया था राजस्थान में आकर के शुरू कर में आप लॉन्चिंग कीजिए, मैंने उस वक्त स्टेट में दिया कि ये हमारे यहाँ तो 5 साल काम चल रहा है, लॉन्चिंग वहाँ कहाँ कर रहे हो जो ऑलरेडी काम चल रहा है, तो उनको जानकारी नहीं थी। ये जो आप कह रहे हो पाकिस्तान विस्थापितों की बात, कांग्रेस शासन में अधिकांश विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है, उनके पुनर्वास का है, उनके विकार का है, वो मुद्दे हमारे सामने हैं आगे तारीख में। बहुत कम लोग बचे होंगे जिनके जिनको लेके वो कांग्रेस ब्लेम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो पहले काम हो चुका है। सीएम साहब एक सवाल है, आपने कहा कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस देश का, कौन कौन लाइन में? मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैंने नहीं कहा मैं भविष्य वक्ता हूँ, आपने कहा वो नहीं बनेंगे, उसके लिए जाना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री देश का जो माहौल है, पूरे देश का माहौल जो है, बड़ी पार्टी का माहौल है, और इनकी पार्टी में एक ग्रुप है आरएसएस के अंदर भी और बीजेपी के अंदर, वो भी चाहता है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। जो समझदार तबका है बीजेपी के अंदर आरएसएस के अंदर, वो तो कैसा भी होता है जो जिनका जिनकी आत्मा घबरा नहीं करती है, भी मैं हूँ उनके साथ में, पर वो क्या रहा है, वो भी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री बने। मंगलवार को दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री को कहा है कि फाइलों में आग लगवा करके आप बचो, तो मैंने रिट्वीट कर दिया। क्या हुआ? सर मोदी जी ने सर कल ही कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक बार फिर नहीं बनेगा देश में। मोदी जी ने कल ही कहा है सर कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक बार फिर नहीं बनेगा देश में। विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष नेता नहीं बन पाएगा, कहने का मतलब उनका ये था कि सीटें इतनी कम आएंगी। मोदी जी क्या बोलते हैं, कल क्या बोले हैं, जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं होगी देश से तब क्या नहीं होगा, क्या बोले? विपक्ष का नेता नहीं रहे, नहीं विपक्ष की बात छोड़िए, मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, उनको सबक सिखा दिया 44 MP ने हमारे, नंबर एक पार्लियामेंट के अंदर जो 44 MP कांग्रेस थे उन्होंने सब पार्टियों को साथ लिया पार्लियामेंट के अंदर विपक्षी पार्टियों को, और दिखा दिया संख्या बल कम हो सकता है पर नैतिक बल अगर मजबूत हमारे साथ में है, नैतिक बल बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आधार पर मोदी जी 5 साल तक इस सरकार का मुकाबला करने में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कामयाब रही पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं हो सकती। पहले वो कभी हमारे साथ थे, कभी वहां जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आयरम गरम बहुत है देश के अंदर। चौकीदार चोर है उसके नारे के ऊपर राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली, कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा है कि हीट ऑफ द इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ होगा उस वक्त वो उनके उन्होंने बात बोल दी,
उनका जो मेन थी वो तो लगातार बोल रहे अभी तक बोल रहे हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है। ये तो नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट को नहीं मैं चौकीदार छोड़ नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे दिया जब खबर आई होगी, हम आप जब चलते मोबाइल में खबर आती रहती है, उसके हिसाब से उनके उन्होंने जो बात कही उसके लिए काफ़ी बड़े दुख है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का उसमें जिक्र आ गया। मुख्यमंत्री जी बजरी पर लगी रहो कब तक हटवाने का विचार है? देश कह रहा है मुख्यमंत्री जी बजरी पर लगी रोक कब तक हटवाने का विचार है? राजस्थान सरकार में बजरी पर लगी हुई रोक को कब तक हटवाने का विचार है? बजरी पे लोग सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं, गरीबों के मकान नहीं बन पा रहे हैं सर, काफी बहुत सीरियस मामला है बजरी वाला। माँ के अपन हो गए, पिछली गवर्नमेंट ने पूरा प्रोटेक्शन दिया इनको, करोड़ों कनेक्शन दिया प्रति माह, प्रति साल नहीं प्रति माह, ठीक है ना। तो हम सब इन बातों की डर के हमारे बात का एहसास है, जनता को तकलीफ हो रही है, पर केस इस पर उलझा दिया गया है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी आड़ के अंदर सब खेल खेला गया है, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धौलपुर बजरी माफिया लगातार पुलिस पर हमला कर रहे हैं, दो दिन पहले भी पुलिस पर फायरिंग हुई है, बजरी माफियाओं ने किए लगातार आमने सामने आ रहे हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या योजना ही माफिया को खत्म करेंगे, जो माफिया है उनको खत्म करेंगे और लूट बजा रखी है उनको खत्म करेंगे। थैंक यू। बोलिए जो न्याय योजना है स्पष्टीकरण यही है, 6,000 रुपए प्रति माह गरीबों के खाते में जाएंगे, उनके महिला महिला बिना किसी काम की घर बैठे भी देंगे या कोई काम कोई ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित राष्ट्र है ये कोई ये बड़ी योजना है जो विश्व सबसे बड़ी योजना है, वो अलग बात है कि हमारा मुल्क 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, वरना जो मुल्क है जिनकी आबादी 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी है, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो या अमेरिका हो, जो भी है, तमाम विकसित राष्ट्रों के अंदर और योजना नहीं है, एक हमारा कर्तव्य है, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं जिसको, हर व्यक्ति जो धरती पर आया है उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा था उसके अंदर 50 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उन लोगों में नहीं हुई बात कहते थे, 50 साल में कुछ नहीं हुआ कहकर के हम मजदूरों की, डॉक्टरों की, इंजीनियर की, सभी तबकों की बेइज्जती कर रहे हैं। कहने का मतलब जो देश बना है वो मजदूरों के कारण ही बना है, और जो मजदूर 60 साल का हो जाता मान लीजिए या हम नौकरी नहीं दे पाए सरकार उनको, बेरोजगारों को पता क्यों दे रहे हैं? अगर भत्ता इसलिए दे रहे हैं कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे मान लो, तो उसके लिए तो हर जो है हर व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है देश को बनाने का, ये सोशल सिक्योरिटी है। वहां वीकली पैसा मिलता है, पूरे मुल्कों के अंदर वीकली पैसा मिलता है, घर बैठे मिलता है, जिससे कि वो अपना गुजारा चला सके, ये कोई नहीं धन इकट्ठा कर सके, योजना नहीं होती है। हमारे मुल्क की स्थिति 70 साल तक वो नहीं बनी, इसलिए हम इसको चालू नहीं कर पाए। मैंने मोदी जी कह रहे पहले क्यों नहीं किया आपने, तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव जीतकर कुछ भी कर सकते हैं, और मोदी जी कुछ समझा नहीं सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे एक सोशल सिक्योरिटी रहेगी गरीबों की, 6,000 भी मेरे पास आ रहे हैं कम से कम, 72,000 आएंगे मेरे पास में, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जो राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ने से जो मार्केट की एक्टिविटी बढ़ेगी उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्री में काम होगा, मजदूर मिलेगी लोगों को, ये मंदी का दौर तब भी किया जाता है जब प्रणब मुखर्जी थे फाइनेंस मिनिस्टर और दुनिया भर के मुल्कों में मंदी का दौर था, अमेरिका सहित, उन्होंने पैसा पंप किया हिंदुस्तान के अंदर जिससे कि पैसा वहाँ पर मार्केट में आए, वो खर्च हो, एक्टिविटी बढ़े। ये बहुत शानदार योजना है जिसमें गरीब को 6,000 रुपये मिलने का मतलब वहाँ पर वो खर्च करेगा दुकानों पे गांव के अंदर, खुद की आमदनी अलग होगी उसकी, उसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगी उसको, एक बुश मिलेगा, इकोनॉमी को बुश भी मिलेगा उससे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और सरकार के नाक के नीचे 500 बजरी के ट्रक रोज आ रहे हैं,
पुलिस प्रशासन से आकर गिली बार बदरी की नहीं, वो तो कह रहे हैं रोक हटाने के बाद यहाँ जयपुर में आ रहे हैं रोजाना अवैध बदरी के लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी हर कंस्ट्रक्शन साइट पर बदरी पड़ी है, ढेर पड़ा। आप कह रहे हो हमने सरकार बनती पहली मीटिंग बजी भी की और उसी गंभीरता ही ले रहे हैं, फिर भी आप जो कह रहे हो लीकेज राजस्थान भर में है, मालूम हम लोगों को कि ये रोके भी गए थी तो फायरिंग हो रही है, तो इसको हम रोक के रहेंगे आप निश्चित। धन्यवाद सर, धन्यवाद।